ये है मेरी मॉम शादी के रास्ते बोलते हैं भाई लो भाई लो जो किसी को पाल हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल आई होप आप सब अच्छे होंगे. एज यू कैन सी मेरा गला पूरी तरह से ख़राब हो गया है. मैं पिछले 2-3 दिन से ट्राई कर रही हूँ वीडियो बनाने की और आपसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग अच्छे से कमेंट्स करते हैं और जिनका मैं रिप्लाई करती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है वो सब करते हुए. पर जिस दिन मैं आई थी यहाँ पर आ रही हूँ मम्मा 2 मिनट नहीं मैं आ रही हूँ. तो जिस दिन मैं आई थी यहाँ पे उसी दिन मेरा गला ख़राब हो गया था बिकॉज ऑफ वेदर चेंज. आज थोड़ा सा ठीक है, कुछ आवाज़ निकल रही है तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ. आज मैं टेरिस पे लेके जा रही हूँ आपको, वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लोकेशन कैसी है. और ये है घर का टेरेस, तो मैं आपको इसके अराउंड की लोकेशन दिखा रही हूँ कितनी प्यारी है. यहाँ पे देखिए ये पूरी ग्रीनरी है आसपास और साथ ही माउंटेन्स, कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं. आपने कभी ग्रीनरी नहीं देखी है, माउंटेन नहीं देखी है, ऐसा नहीं है. लेकिन मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहती हूँ कि मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ. तो बचपन में जब मुझे हॉलीडेज़ होती थी तो मैं हमेशा यहाँ आती थी, लेकिन ऐसे नोटिस नहीं किया कभी भी इस नेचर को. लेकिन जैसे आज करती हूँ, आज बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं हर साल, उनको यहाँ पे लेके आती हूँ तो डीपली सोचती हूँ. जब भी ये माउंटेन्स को देखती हूँ तो देखती हूँ कि कितने शांत खड़े हुए हैं ये, कितने प्यारे लगते हैं ये, कितने सेटिस्फाइड लगते हैं. और ये जो घर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये घर सारे घर हमारे हैं या लाइक हमारे कज़न्स के हैं, 1, 2, 3, 4, 5. तो इस तरह पास पास में होते हैं ये घर, बहुत ही प्यारे लगते हैं. और यहाँ एक दूसरे के घर में जाने के लिए हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, हमें कॉल करके ये पूछना नहीं पड़ता कि हाँ आप फ्री हैं, हम आ जाएं क्या. तो अगर हम बात करें सिटीज़ की, तो सिटीज़ में सड़कों के ऊपर दिन रात दौड़ती हुई गाड़ियों का शोर, साथ ही पोल्यूशन, पता नहीं हम किस सक्सेस के पीछे भागते हैं. सक्सेस मिल तो जाती है क्योंकि हम बहुत एक लग्जरी लाइफ जीने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन क्या कभी सेटिस्फेक्शन मिलती है. यहाँ पे आके ये चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं मुझे कि यहाँ पे लोग बहुत सेटिस्फाइड लगते हैं, एक दूसरे से प्यार, ऑनेस्टी, बहुत चीज़ें जो मुझे यहाँ पर खींच के लेके आती हैं. तो ये देखिए, ये है ऐसे अराउंड घर. तो ये घर है एक बहुत ही पुराना, वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में शायद दिखाऊंगी. तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं हाथ हिला रही हूँ, ये सामने मेरे कज़न का घर है और वो मुझे बुला रहा है कि दीदी आ जाओ प्लीज़ मिलने के लिए. तो अभी मैं बस थोड़ी देर में जाऊंगी उसके पास. क्या मम्मा कहाँ चले घूमने? चलो 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 मम्मा. और ये गेम तो आपको याद होगा जो बचपन में हम सब खेला करते थे, खो खो, जो सिटीज़ में आजकल आपको गलियों में खेलते हुए बच्चे दिखाई नहीं देंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना इफ़ेक्ट डाला हुआ है कि आज हमारे बच्चे सिर्फ वीडियो गेम्स खेलते हैं और ये आनंद, ये एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं ले पाते हैं. इट्स सो सैड. तेरी ऐसे ही वीडियो बनेगी और ऐसे ही अपलोड होगी. ऐसा मत करना. ऐसे ही करूंगी मैं. हाँ यार चाची मेरा गला खराब हो गया. देखो निकल दे नहीं बच्चे करो बाहर. क्यों भाई किधर से आऊं? ये सीमा है कि बेबी है और नहीं बना रही यार. प्रणाम.
रहो। ये है मेरी कजन सिस्टर जो अपना मुंह छुपा रही है। ओए इधर कर चाची, देखो थोड़ी। यहाँ पे आने के बाद मैं चार दीवारी के अंदर अपने आप को नहीं रखती हूँ, हमेशा बाहर निकलने की करती हूँ। जितना टाइम मैं बाहर जाके स्पेंड कर सकूँ। ये देखिए, ये मुझे अचार टेस्ट करवाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें ये वाला अचार चाहिए, तो हम बना के देंगे और मैं पक्का यहाँ से लेके जाऊँगी ये बनवा के। और जितना टाइम मैं स्पेंड कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं आफ्टरनून नैप भी लेती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। ये देखिए, ये एक फ्रूट है जिसको बोलते हैं बेल, ये यहाँ पे मिलता है हमेशा, मैं यहाँ पे आके बहुत खाती हूँ इसको। तो जितनी बातें कर सकती हूँ, जितना इन्जॉय कर सकती हूँ सबके साथ, सब कज़न्स के साथ, सब चाचियों के साथ, तो उतना टाइम मैं स्पेंड करती हूँ। और अब मैं देखिए नेक्स्ट डे आ गई हूँ यहाँ पे। गाँव में भी कुछ लोग हैं जिनके जो मुझे मिलना चाहते हैं, जिनको मैं मिलना चाहती हूँ, तो मैं एक राउंड ज़रूर लगाती हूँ। मौसम बहुत अच्छा था तो हम लोग निकले मिलने के लिए सबको। तो जितने लोगों से रास्ते में मिल पाई उनसे रास्ते में मिली, जितने लोगों के घर जा पाई उनके घर गई। और बेसिकली वो लोग भी बहुत खुश होते हैं हमें मिलने के बाद कि इतने टाइम के बाद तुम आती हो, तो बच्चों को भी साथ में लेकर आया करो, क्योंकि बच्चे बिज़ी थे अपना खेलने में, तो मैं ही आई हूँ। शहर की लाइफ और गाँव की लाइफ में कौन सी लाइफ ज़्यादा अच्छी है ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी जो शांति जो ठहराव यहाँ गांव में होता है वो शहरों में नहीं होता। बहुत दौड़ भाग करते हैं हम लोग, बहुत स्ट्रेस भरी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन यहाँ आके बहुत पीसफुल लगता है। शहर में पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचानता कि हमारे आसपास कौन रहता है, लेकिन यहाँ पे सारा गांव एक दूसरे को जानता है। कभी भी किसी के घर में जाने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता कि क्या सोचेंगे लोग। और मेरी समर वेकेशंस हर साल इसी तरह से खूबसूरत होती हैं। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, आपने भी इन्जॉय किया होगा मेरे साथ।